ये कहावत तो सुनी ही होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन स्वस्थ शरीर का वास एक स्वस्थ वातावरण में होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। मैं नेहा बंसल और आप देख रहे हैं एकल भारत। तो आज हम स्वस्थ भारत में चर्चा करेंगे डेंगू बुखार की, जो कि मादा एडिस मच्छर के काटने की वजह से होता है। डेंगू बुखार में मरीज का शरीर काफी कमजोर होता है, जिसकी वजह से आगे के दिनों में और भी दूसरी गंभीर बीमारी होने की समस्या बन जाती है। तो आज हम आपको डेंगू बुखार के लक्षण और उससे बचने के कुछ उपाय बताएंगे। डेंगू बुखार के लक्षण: पेट में दर्द, अचानक तेज बुखार, हाथ पैरों में तेज दर्द, कभी कभी उल्टी आना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चटके का होना, ज्यादा सांस लेने में मुश्किल होना। अगर आपको अपने शरीर में ऐसे लक्षण दिखे और लगे कि डेंगू बुखार हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी होती है जिसका इलाज समय रहते होना जरूरी होता है। डेंगू का संक्रमण मुख्य रूप से वायरस से संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसके काटने पर वायरस शरीर में प्रवेश करता है और फैलने लगता है, और ये मच्छर रुके साफ पानी में पैदा होते हैं। डेंगू बुखार से बचने के उपाय: घर के अंदर या बाहर कहीं पानी जमा नहीं होने दें। कूलर में पानी है तो इसमें केरोसिन तेल डालकर रखें। पानी की टंकियों को अच्छी तरह ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर को भगाने वाली चीजों का प्रयोग करें। ऐसी गंध से बचें जो मच्छरों को आकर्षित करती है। घर के अंदर अच्छी तरह से रोशनी आने दें। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको काढ़े का प्रयोग करना चाहिए, और मच्छरों से बचाव के लिए आपको जो भी अब पेड़ पौधों की बात हुई उसमें आप पानी डालते हैं तो साथ के साथ निकासी भी हो, पानी जमा ना होने दें, और कुछ ऐसे चीज़ों का भी प्रयोग करें। जैसे हम नीम की घरेलू उपाय की बात करते हैं तो नीम की पत्तियों का प्रयोग, कपूर का प्रयोग, इसका प्रयोग करें, और काढ़े के रूप में नीम की पत्ती का प्रयोग, तुलसी का प्रयोग, काली मिर्च का प्रयोग साथ में, क्योंकि प्रोटीन लेवल भी कम होता है, डिहाइड्रेशन भी कम होता है, तो साथ में कुछ हमें मिनरल्स विटामिन्स चाहिए तो मुनक्के का प्रयोग, गुड़ का प्रयोग ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो एक बहुत बढ़िया सा हमें काढ़ा तैयार करना चाहिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जो तुलसी के दो पत्ते और एक काली मिर्च, अगर आप दो पत्ते लेते हैं तो एक काली मिर्च ले लीजिए, उसको पीस लीजिए और छोटी सी गोली बना करके निगल लीजिए। ये प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाएगा ही, साथ में आपके बढ़ते फीवर को भी रोकेगा और आपके शरीर के जो बढ़ते कीटाणु हैं उनको भी रोकने में फायदा करेगा। बता दें कि डेंगू वायरस प्लेटलेट्स को नष्ट नहीं करता है, लेकिन यह प्लेटलेट काउंट वाले फंक्शन को खराब करने लगता है। ऐसे में आप अनार या पपीते के पत्ते का रस पिए, जो कि शरीर को एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। साथ ही इसके अलावा डेंगू के दौरान अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, या फिर आप सूप भी पी सकते हैं। ऐसे में एकल आरोग्य योजना लोगों को बीमारियों से बचने और लड़ने के बारे में शिक्षा देती है। एकल आरोग्य योजना समाज कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। वहीं एकल योग शक्ति केंद्र के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य के लिए गांव में योग तथा व्यायाम की नियमित कक्षाएं, जिसमें योग के माध्यम से कई तरह की बीमारियों से लड़ने के तरीके बताता है। आज हमने स्वस्थ भारत में आपको डेंगू के लक्षण और डेंगू से बचने के उपाय बताए। इसी तरह हम अनेकों बीमारियों से लड़ने के उपाय आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ एकल भारत। नमस्कार।